हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज से हम फिर से एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट, या जिसे हम कहते हैं क्लेजन पुनर्विन्यास। फिनॉल चैप्टर का ये टॉपिक है। फिनॉल चैप्टर में हम और भी रिएक्शन देख चुके हैं विथ मैकेनिज्म। आज भी हम ये जो रिएक्शन है उसे विथ मैकेनिज्म जो है वो देखने वाले हैं। सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे। सो इस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो अगर आप फिनॉल के रिएक्शन की तैयारी कर रहे हो तो शुरू से आप जो है वीडियो देखिए, फिनॉल के इंट्रोडक्शन से जो है वो स्टार्ट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में जाना है बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे वीडियो जो है वो लाइन से आप लोगों को मिलेंगे। तो उसमें क्या है, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है फिनॉल से रिलेटेड वो आपको अच्छे से जो है वो समझ में आने लगेगी और आपके लिए ये जो रिएक्शन है वो काफी आसान जो है वो हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, फिर से अपने आप को जो है वो अरेंज करना। तो आखिर इस पूरे रिएक्शन में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो अपने आप को अरेंजमेंट फिर से कर रहा है, उसे भी हम यहाँ पे आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का रिएक्शन। सबसे पहले आप लोगों को लेना है यहाँ पे फिनॉल। फिनॉल का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, बेंजीन में जो है वो OH ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ये H प्लस को यहाँ से जो है वो हटाना होगा, तभी ये जो प्रोसेस है हमारा आगे बढ़ पाएगा। इसके लिए हम इसका रिएक्शन जो है वो NaOH से जो है वो कराते हैं। जैसे फिनॉल और NaOH का हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो O में जो है वो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि O जो है वो हाइड्रोजन से अपने जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने तरफ जो है वो खींच लेते हैं, जिससे O पे जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है और H पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। यहाँ पे भी सेम वही होता है, Na में पॉजिटिव चार्ज है, OH में जो है वो निगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, H प्लस OH माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, H2O बना लेंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से जो है वो निकल जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, केवल O माइनस जो है वो रह गया है। Na प्लस जो है वो इस O माइनस से जाकर के जुड़ जाएगा और कुछ देर बाद Na प्लस भी यहाँ से निकल जाएगा, आपके पास केवल O माइनस जो है वो बच जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड हमें जो है वो यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब ये जो रिएक्शन है वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास है, आप देख रहे हो बेंजीन में जो है वो O माइनस जो है वो जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। इसका रिएक्शन हम कराएंगे एलिल ब्रोमाइड के साथ। जब हम एलिल ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए जल्दी से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। यहाँ पे आप देख रहे हो Br जो है वो लगा हुआ है। ये जो Br होते हैं वो अधिक ऋणविद्युतीय तत्व है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से जो है वो ज्यादा होता है। Br जो है वो कार्बन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो है वो खींच लेते हैं। मतलब ये जो आप Br देख रहे हो, ये जो है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे कार्बन पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी हो जाती है। अब ये जो आप देख रहे हो फिनॉक्साइड आयन, इन्हें जो है वो ऐसा कोई ग्रुप चाहिए जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो और अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसे डोनेट कर सके और उसके साथ जो है वो बॉन्ड बना सके। तो ये इनको अच्छा एक ऑप्शन मिल गया कि यहाँ पे देखो CH2 के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये Br तो इनसे इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये जो CH2 है कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी हो जाती है। अब O के पास माइनस चार्ज है, CH2 में जो है वो प्लस चार्ज है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो ये जो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है ये O के साथ आकर के जो है वो अपना एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो है वो आपका एलिल ब्रोमाइड कहलाता है। लेकिन जब ये एलिल ब्रोमाइड एलिल जो है वो एलिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, तो आपका बन जाता है फेनिल एलिल इथर। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ आया। यहाँ पे आप देख रहे हो O के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे बस ये देखिए Br है वो यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे आपका केवल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 जो है वो बचा हुआ है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एलिल ग्रुप जो आपको शो हो रहा है उसे ऑक्सीजन के साथ आकर के यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बनाना है। इतना आपको क्लियर हुआ, ये तो बॉन्ड बन गया जिसे हम कहते हैं फेनिल एलिल इथर। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस फेनिल एलिल इथर को जो है वो गर्म करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे, जब हीट देते हैं 200 सेल्सियस पे जब हम इसे हीट देते हैं, फिर से इसमें कुछ कुछ प्रोसेस जो है वो होने लगता है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ पे देख रहा हूँ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो है वो फिर से ये जो है वो अपनी तरफ खींच लेंगे। तो अब क्या होगा, और ये जो ऑक्सीजन है उसे फिर से जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 फिर से यहाँ से जो है वो अलग हो जाएगा। अलग होकर के अब कहाँ जाएगा, ये अलग होकर के यहीं पे ही
मतलब फेनिलिन इथर में ही जो है वो ये आएगा, लेकिन ये मतलब बेंजीन रिंग में ही जुड़ेगा, लेकिन उसका जगह थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, लेकिन कुछ देर बाद जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है वो इसके ऑर्थो पोजिशन में आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं इस बेंजीन रिंग में। वो क्यों होता है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ डोनेट करके ये वाले कार्बन को जो है वो डोनेट कर देते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को जो है वो दे देते हैं, ये कार्बन के पास जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो CH2CH डबल बॉन्ड CH2 है वो इस ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो इस प्रकार से जो है वो जुड़ जाते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आप ये याद रखिए कि ये जो आपका CH2CH डबल बॉन्ड CH2 है वो इसके ऑर्थो पोजीशन में आके जुड़ जाए। समझ आ गया कि CH2CH डबल बॉन्ड CH2 जो है वो इस बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ गए हैं, इतना तो आपको क्लियर हुआ। अब क्या होगा, हमें पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पे बॉन्ड बना करके जुड़े रहते हैं कार्बन के साथ, ये क्या करेंगे, अपना जो इलेक्ट्रॉन अपना जो बॉन्ड है फिर से इस ऑक्सीजन को जो है वो डोनेट कर देंगे। अभी तक जो है वो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर कर चुके थे, लेकिन जैसे ही ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन को मतलब डोनेट करते हैं, तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है यहाँ से हट जाता है और ऑक्सीजन में फिर से जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और O में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, तो लास्ट में क्या होगा गाइस, आपका ये जो H है वो O के साथ आकर के फिर से जुड़ जाएगा, OH यहाँ पे फिर से जो है वो ग्रुप बन जाएंगे, और ये जो आपका CH2CH डबल बॉन्ड CH2 है वो तो जुड़ा ही था, ये आपका बन गया इनॉल फॉर्म। तो पूरे रिएक्शन में हम लोगों ने क्या समझा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है, किसका रीअरेंजमेंट हुआ है, एलील ग्रुप का। यहाँ पे आप देख रहे हो जब एलील ब्रोमाइड मतलब एलील ग्रुप जो है वो पहले ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो जुड़े हुए थे, ओके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने इसे गर्म किया 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जैसे हम लोगों ने इसे हीट किया फेनिलिन इथर को, तुरंत ये अपना जगह चेंज कर लिए, ये पहले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए थे, जैसे हम लोगों ने इसे गर्म किया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ गया। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, इसकी रीअरेंजमेंट मतलब होता है कि अपने आप को फिर से अरेंज करना परिस्थिति के अकॉर्डिंग, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिर से अरेंज करना, दूसरे जगह पे आकर के जुड़ जाना, ये होता है आपका रीअरेंजमेंट, इसलिए इसे क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है वो कहा जाता है। तो ये जो है वो यहाँ पे आकर के जुड़ जाते हैं और आपका बन जाता है इनॉल फॉर्म। तो इसका डेफिनेशन भी बहुत ही ज्यादा इजी है, क्या क्या हम लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए फिनॉल का रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ कराया, एलिल ब्रोमाइड के साथ कराया फिनॉल का रिएक्शन। तो क्या लिखना है आप लोगों को डेफिनेशन में, अभी आपको बता देती हूँ। फिनॉल को एलिल हैलाइड के साथ जो है वो गर्म करने पर, हैलाइड मतलब क्या होता है, जिसे हम ब्रोमाइड भी कहते हैं, हैलाइड ग्रुप यहाँ, हैलाइड जो है वो हैलोजन एलिमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, Br यहाँ पे Cl भी हो सकता है। तो ये जो एलिल ब्रोमाइड के साथ जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं, जब हम इसे गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एलिल इथर। यही चीज को आपको डेफिनेशन में लिखना है, फिनॉल को एलिल हैलाइड के साथ गर्म करने पर एलिल इथर प्राप्त होता है। एलिल इथर को 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किए जाने पर इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। एलिल इथर को 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब इसे गर्म करते हैं, तो ये जो आपका पूरा ग्रुप दिख रहा है ना, उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, दूसरे जगह में आकर जो है वो जुड़ जाता है। एलिल इथर को गर्म किए जाने पर एलिल समूह का ऑर्थो अथवा पैरा स्थिति पर माइग्रेशन हो जाता है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो या तो ये ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ेगा या तो ये पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा, डिपेंड करता है कि हम उसे कितना गर्म कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो कहीं और जाकर जुड़ेगा, ये होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो गर्म किया है फेनिलिन इथर को, तो ये जो आपका ग्रुप है वो इसके ऑर्थो पोजिशन पे आके जुड़ा है। हो सकता है अगर हम ज्यादा हीट करें तो उसके पैरा पोजिशन पे आके जुड़ जाए, तो ये होता है। तो डिपेंड करता है हीट पे कि हम उसे कितना हीट दे रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि एलिल इथर को गर्म किए जाने पर एलिल समूह का आर्थो या पैरा स्थिति पर माइग्रेशन हो जाता है। माइग्रेशन होना मतलब क्या होता है, उस जगह पे जाकर के जो है वो जुड़ जाना। तो ये आपका क्लेजन संघनन कहलाता है या क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है वो कहलाता है। समझ आएगा इसे आप लोगों को, आज का टॉपिक बहुत ही ईजी है। बस इसमें जो है वो जो आपका यहाँ पे जो ग्रुप दिख रहा है ना CH2CH CH2, ये जो है इसी का जो है वो रीअरेंजमेंट होगा और कुछ भी नहीं है इस मतलब इस टॉपिक में। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। और मेरी एक बात आप जरूर मानिएगा, आप शुरू से देखिए वीडियोस, शुरू से अगर आप वीडियो देखोगे, फिनॉल से अगर आप वीडियो देखोगे, आप लोगों को सारा चीज समझ में आएगा, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, पैरा पोजीशन क्या होता है,
ये सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को फिनॉल के इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में मिलेगा। वो वाले नोट्स में आप लोगों को सब मैं बताई हूँ कि क्या पैरापोजिशन है, क्या ऑर्थोपोजिशन है, कैसे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे रहता है, कार्बन कैसे रहता है, ये सारा चीज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसलिए ये छोटी छोटी चीजों को मैं बार बार नहीं बताती, फिर टॉपिक बहुत मतलब वीडियो बहुत लंबा होते जाएगा अगर ऐसा मैं बताते जाऊंगी। तो रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को शुरू से देखिए। आप लोगों के बहुत ही ईजी चैप्टर है आपका फिनॉल, सारे चीजों में बस एक ही जैसे मैकेनिज्म आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, बस इसका यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बस सारा चीज वही है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। कमेंट में मुझे लिख के बताइए कैसा लगा आज का टॉपिक। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।